प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप अतुल्य भारत का पूरा अनुभव लें। यहाँ अफ्रीका से अनेक लोग आए हैं। अफ्रीकी संघ के साथ भारत के विशेष संबंध हैं। हमें गर्व है कि अफ्रीकी संघ भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 का हिस्सा बना। इससे अफ्रीका के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में काफ़ी मदद मिलेगी। पीएम ने कहा, कानूनी शिक्षा को भी बदलते समय और प्रौद्योगिकी के अनुरूप ढलने की जरूरत है। हमारा ध्यान अपराध के नवीनतम रूपों में समझने पर है। हमें बड़े अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर के साथ युवा कानूनी पेशेवरों की मदद करने की जरूरत है। आई अर्ज यू ऑल टू एक्सपीरियंस इनक्रेडिबल इंडिया टू द फुलेस्ट। फ्रेंड्स, आई एम टोल्ड that there are many friends from Africa here. India has a special relationship with the African Union. We are proud that the African Union became a part of the G20 during India's presidency. This will go a long way in addressing the aspirations of the people of legal education. Friends, the world needs young legal minds who have diverse exposure. Legal education also needs to adapt to changing times and technologies. A focus on understanding the latest trends in crime investigation and evidence will be helpful. Friend, there is a need to help young legal professionals with greater international exposure.